वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट पार्ट हम लोगों ने यहीं पे ख़त्म किया था, तो लंच करने के बाद अभी हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं मेहताबाग की तरफ, जो यहाँ से 41.6 किलोमीटर की दूरी पे है। लेट्स एंजॉय द ड्राइव और पहुँचते हैं मेहताबाग में। सो पहुंच गए हम लोग मेहताबाग और ये है इसका टिकट काउंटर। यहाँ पे इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए 200 रुपीज़ है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक ओपन रहता है ये, और इसको घूमने के लिए 1 घंटा काफ़ी है। इसका और एक नाम है जो है मूनलाइट गार्डन, जो बाबुन ने बनाया था 15th सेंचुरी पे। यहाँ से ताजमहल का बड़ा प्यारा व्यू मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेहताब गार्डन, जहाँ से आप ताजमहल का एक बहुत अच्छा स्नीप ले सकते हो। सो आप ये स्नीप और टाइमलेस देखते रहो, तब तक हम लोग चलते हैं फिर सदर बाजार स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। Hey guys, अभी रात के 9:30 बजे है और हम लोग आए हैं सदर बाजार चाट स्ट्रीट में। भीड़ देखो आप सर। This street is also named as Chaat Wali Gali. Awesome chaats and the food items are absolutely easy on the pocket, at the same time very very delicious. This is Dahi Valle. This is called Dahi Papri. ये सबसे पुराना यही शॉप है क्या आपका, जो लिख के रखे हो आप यहाँ पे? Second day. This is Chilla. Hey guys, good morning. तो हम लोग हैं होटल ग्रैंडफादर में, है ना, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ताजमहल भी दिखता है। तो अभी बजा है 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी ऑल आर वेक अप, वी आर हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। ये दोनों रूम हम लोग का था। Are you done, buddy? Good morning. Good morning, Shankar. So this was the room for our yesterday. We'll get AC. Sorry, it was messed up. Covered. No problem at all. We'll get 2 chairs, 3 tables, TV, and the cost is $12.50. And this is the washroom you will get there. On this end, commode, tub. Good morning. Good morning. Good morning. अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने सुबह सुबह। सुबह का व्यू कुछ अलग ही होता है ताजमहल का, वो दिखाते हैं आप लोगों को। सो बिफोर 1 किलोमीटर आपको यहाँ पे ऐसा पार्किंग मिल जाएगा, तो इस पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क करके उसके बाद जाना पड़ेगा। भैया 1 किलोमीटर कैसे जाए? लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, देयर इज अ गोल्फ कार्ट इज ओवर देयर। अच्छा, यू कैन हैव द गोल्फ कार्ट, दे विल ड्रॉप यू नियर टू द गेट। सो हाउ मच दे विल चार्ज? 20 रुपीस पर मेंबर। 20 रुपीस पर मेंबर, एंड दे विल आल्सो आस्क फॉर द कैश और कैश? आई डू नॉट हैव कैश, व्हाट टू डू? बट दे विल एक्सेप्ट द यूपीआई लाइक। यूपीआई इज फाइन, यूपीआई इज फाइन देन। ओके, आगरा इज नॉट। सो यहां पे आपको मिल जाएगा वो छोटा वाला गोल्फ कार में, तो वहाँ पे आप 1.5 किलोमीटर ताजमहल के सामने जा सकते हो। लेट्स गो। तो भाई हियर इज द क्यूआर कोड, तो यह क्यूआर कोड स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। ये 20 रुपीज़ चार्ज है इसका ताजमहल तक, वो ताजमहल एंट्री गेट तक, मतलब जहाँ से एंटर होता है वहाँ से वहाँ तक छोड़ देगा। तो फाइनली वी हैव स्टार्टेड, let's go. Hey guys, distance is only 1.5 kilometer from parking area to Taj Mahal entry gate, और रास्ता कुछ इस तरह का है।
जो कल भी हम लोगों ने नोटिस किया था, हर एक चीज़ आगरा एंटर करते ही रेड कलर का दिख रहा था, आप भी देख सकते हो, नोटिसेबल चीज़ है, और वो रहा ताजमहल का एंट्री गेट। दिस इज़ दी ताजमहल एंट्री गेट एंड बिफोर द गेट यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ शॉप्स। अरे पांडे जी भाई, ऑनलाइन टिकट का लाइन है। हम लोगों का ऑनलाइन एंट्री टिकट चेक हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स दी मेन एंट्री गेट ऑफ ताजमहल, और रास्ते में आपको ये मिल जाएगा एक फ़ोटो म्यूज़ियम टाइप का, जहां पे ताजमहल की पुराने जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो एक फ़ोटो म्यूज़ियम की तरह बनाया हुआ है, और सारे फोटोग्राफ्स देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं। ये है ताजमहल का मेन एंट्री गेट एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन बिटवीन 1632 टू 1638 एंड इट वाज डिजाइंड बाय ताजमहल आर्किटेक्चर हिमसेल्फ उस्ताद आहमद लाहौरी। इट इज 93 फीट हाई एंड 150 फीट वाइड। लव आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री कोलाइड, फर्स्ट टाइम एवर आई एम जस्ट सीइंग ताजमहल। The Taj Mahal, often regarded as the symbol of true love, it has been attracting travelers from across the globe for its gorgeous beauty and splendid history. The Monument of Love is also one of the seven wonders of the world, aur ye duniya ka sabse most visited tourist attraction bhi hai. ₹32 million Indians rupees kharcha hua tha in 1653 to construct Taj Mahal. और उसका वैल्यू आज है 70 बिलियन इंडियन रुपीस। ताजमहल बनाया गया था मोर देन 40 टाइप्स ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन से, इंक्लूडिंग पियर, डायमंड्स, एमरल्ड्स एंड सैपिफायर्स अमंग अदर्स। ताजमहल बनाने में हाथियों का योगदान बहुत था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए 1000 के आसपास हाथी यूज हुआ था उस टाइम पे। Now see the beauty of Yamuna River with Taj Mahal. It's a great combination. और ये white marble structure Persian, Islamic and Indian architecture का एक अनोखा combination भी है। So two bullshit people are now just roaming here and there. This is the most bullshit guy in our group. So these two guys are really bullshit. Huh? This bullshit from Allahabad and this is from Andhra Pradesh. One more bullshit is on the way. Karnataka. And in this group, there is only good guys here. That is me. No, this is the big bullshit. स्वाइडिली क्या बताना है, ताजमहल के बारे में तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन ताजमहल के बाजू में बैठ के और यमुना रिवर के इस साइड में बैठ के दोस्तों के साथ बात करने का फीलिंग कुछ अलग है। सो वीकेंड क्राउड एट ताजमहल, रियली सो मेनी पीपल कम्स टू विजिट ताजमहल इन वीकेंड मैन, सो मेनी पीपल आर कमिंग। See the crowd. And the last sneak of Taj Mahal. So we have to say Tata, bye bye Taj Mahal. There is a rally from a school. See the Indian flag, it's too big, man. And students are carrying this flag. Oh, it's a very very long. So Taj Mahal done. How was the experience, guys? It's good only.
लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से. तो एनी वेज 200 गेट इन साइड एंड इफ यू जस्ट रोम अराउंड आउटसाइड द ताजमहल देन इट वॉज 45 rupees ऑनलाइन एंड 50 rupees कैश. मतलब अगर आप काउंटर में आके बुक करते हो. ओके वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर. सो इफ यू आर कमिंग टू आगरा देन यू हैव टू यू नो bring the cash because most of the you know shops places and counter do not accept UPI not even cards so that's a main challenge you have Delhi Noida Kolkata Allahabad har jagah UPI chalta hai Andhra Pradesh bolo Bangalore bolo everywhere you don't have to carry your purse neither your card but here we face lot of challenges while making payment so that's the thing that you should be aware before visit to Agra. Anything else guys you would like to add? That's the main important thing you have done. हम पांचों का व्यू पॉइंट तो एक ही है. किसी का अगर व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो. ठीक है.